ज नॉट फ्लाई बिकॉज दूव्स इट इट फ्लाइज विद द लास्ट ब्रीथ ऑफ ईच सोल्जर हुई प्रोटेक्टिंग इट हेलो दोस्तों रीड एंड राइट सिटी चैनल पे आपका स्वागत है आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस की जानकारी जिसे हम सबको जानना चाहिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं अब हम टॉपिक की ओर कारगिल विजय दिवस कारगिल युद्ध 8 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच पाकिस्तानी घुटपैठियों के खिलाफ लड़ा गया युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के एक भाग के रूप में पाकिस्तानी घुटपैठियों को खदेड़ दिया और टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर पुनः कब्जा करने में सफल रही हर साल इस दिन हम उन सैकड़ों भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए इस युद्ध में शहीद हो गए भारतीय सेना के योगदान को याद करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं अब हम जानते हैं कि आखिर इस युद्ध की शुरुआत कैसे हुई यानी इति, इसके इतिहास के बारे में बात है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात दोनों पड़ोसियों ने सैन्य बलों के बीच छिटपुट संघर्ष होते रहते थे दोनों देशों ने आपस में दोनों देशों ने आसपास की पर्वत संख्याओं पर सैन्य चौकियां स्थापित की और सियाचिन ग्लेशियर को नियंत्रित करने के प्रयास करते रहे हालांकि 1990 के दशक के दौरान कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के कारण तनाव और संघर्ष बढ़ने के साथ साथ उन्नीस में दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के कारण माहौल और उग्र हो गया स्थिति को शांत कराने के प्रयास में दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए जिसमें कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान प्रदान करने का वादा किया गया उन्नीस सौ की सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों और अर्ध सैनिक बलों को प्रशिक्षण दे रहे थे और नियंत्रण रेखा के भारतीय क्षेत्र में उन्हें भेज रहे थे घुसपैठियों को कोड ऑपरेशन बद्री दिया गया था पाकिस्तानी घुसपैठियों का उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच संबंध को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से पीछे हटाना था जिसे भारत को व्यापक कश्मीर विवाद के समाधान के लिए बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा पाकिस्तान का यह भी मानना था कि क्षेत्र में कोई भी तनाव कश्मीरी मुद्दे को अंतरराष्ट्रीयकरण कर देगा जिससे उसे त्वरित समाधान हासिल करने में मदद मिलेगी पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के भारतीय हिस्से में घुसपैठ करके क्षेत्र के कुछ प्रमुख पदों पर प्रमुख स्थानों पर कब्जा कर लिया था जिससे क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा और संचार लाइनों को बहुत ही गंभीर खतरा पैदा हो गया था प्रारंभ में घुसपैठ की प्रकृति और सीमा के बारे में भारतीय सेना को बहुत कम जानकारी हुई और जब जानकारी हुई तो भारतीय सैनिकों ने मान लिया कि वो घुसपैठी ही थे और उन्होंने ये घोषणा भी कर दी भारतीय सैनिकों ने यह घोषणा भी कर दी कि हम उन्हें जल्द ही बाहर निकाल देंगे एलओसी पर घुसपैठियों द्वारा अपनाई गई रणनीति में अंदर के कारण भारतीय सेना का को यह एहसास हुआ कि हमले की योजना जो है वो बहुत ही बड़ी है जब्त किया गया कुल क्षेत्र लगभग 200 किलोमीटर के बीच स्वीकारा जाता है लगभग 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र तो कब्जे में ले लिया गया तो फिर भारत सरकार ने निर्णय लिया और उन्होंने लगभग दो लाख सैनिकों की लामबंदी की और ऑपरेशन विजय लॉन्च किया ऑपरेशन विजय लॉन्च होते ही पाकिस्तान के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया और पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया गया इस प्रकार साठ दिनों तक चले इस युद्ध का अंत 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को उनके कब्जे वाले स्थान से बेदखल करके युद्ध की आधिकारिक रूप से समाप्ति की घोषणा कर ली और वो जितना भी क्षेत्र कब्जे में था पाकिस्तान द्वारा वह पुनः प्राप्त कर लिया गया 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के लगभग पांच सैनिकों ने अपनी जान गंवाई कारगिल दिवस उन बहादुर भारतीय सैनिकों के सम्मान और याद के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने संघर्ष के दौरान अपने जीवन का बलिदान किया यह उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा में अनुकरणीय साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया इस टॉपिक पे आज के लिए बस इतना ही अगले टॉपिक में हम लाएंगे कारगिल विजय दिवस के दौरान जिन महत्वपूर्ण सैनिकों